महोदय, ये आखिर अलग झारखंड राज्य लड़ाई का जरूरत क्यों पड़ा महोदय? कैसे लोगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड महोदय, यही नारा के साथ झारखंड का आवाज दिल्ली तक पहुंचा। मूलवासी आज इनका क्या स्थिति है, ये 23 साल पार हो गया, 23 साल में 23 बजट बना, बजट पेश हुआ, के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं किसी का भी टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। बहुत उदार दिल से हमको आज बहुत दिनों के बाद बोलने का मौका मिला है। महोदय, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, हम लोग बहुत सारे यहाँ ऐसे मेंबर हैं जो बिहार विधानसभा से लेकर के यहाँ तक अभी हम लोग आए। महोदय, ये आखिर अलग झारखंड राज्य लड़ाई का जरूरत क्यों पड़ा महोदय? मैं माननीय गुरुजी शिबू सरेन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत आंदोलन, बहुत त्याग और उनके पीछे लाखों लाख लोग महोदय, अलग राज्य नारा था महोदय कि हम बिहार में नहीं रहेंगे, झारखंड राज्य अलग करो। कैसे लोगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड महोदय, यही नारा के साथ झारखंड का आवाज दिल्ली तक पहुंचा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अटल बिहारी भी वाजपेयी जी को, जिनका उसके मन में झारखंड के बारे में सारी चीज वो जानती थी और उन्होंने भी ठाना था कि राज्य को अलग होना जरूरी है। महोदय, राज तो अलग हुआ, लेकिन आज जो है यहां हम लोग पक्ष विपक्ष जो माननीय सदस्य आए हैं, अपना घर के वोट से नहीं, गोतिया के वोट से नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हम लोगों को वोट दिया अपना अपना विधानसभा क्षेत्र में। और इसलिए वोट दिया महोदय कि हम अपना चुन के प्रतिनिधि भेजेंगे तो हमारे लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, वो आज आके बात रखेंगे। और सबों का रोज रोज हम इस बात को सुनते हैं कि आदिवासी मूलवासी आज इनका क्या स्थिति है, ये 23 साल पार हो गया, 23 साल में 23 बजट बना, बजट पेश हुआ, करोड़ों करोड़ों का लाखों बजट पेश हुआ महोदय, लेकिन गरीब लोगों को आज तक क्या मिल पाया, कितना मिल पाया? अगर बजट पेश हुआ और बजट विभाग को दिया गया तो महोदय आखिर यह श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी हुआ? जारी होना चाहिए महोदय। अभी विपक्ष के लोग साथी हमारे, वो भी इस सत्ता में बहुत दिनों तक काबिज थे, लेकिन जनता ने फिर उन्हें ठुकरा दिया। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के सरकार बनी, और यहां
मुख्यमंत्री बने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, और लोगों को भारी उम्मीद थी। लोग बोलते थे अब की बार हेमंत सरकार, अब की बार हेमंत सरकार, और ये सत्य साबित हुआ और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। इसके कार्यकाल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन चाहे पहले की सरकार और अभी भी अब की सरकार, ये क्षेत्र की जनता से रूबरू होंगे, पता चलेगा सही में आज का स्थिति क्या है। तो महोदय, इस राज्य को लेने में बहुत आंदोलन हुआ महोदय, बहुत माताओं का सिंदूर मिट गया, चूड़ी टूट गया, बच्चे अनाथ हो गए, ये राज अलग हुआ। लेकिन एक दूसरे का यहां पर प्रत्येक बार हम यहां देखते हैं सदन में आरोप और प्रत्यारोप का बौछार होता है। बहुत कीमती समय है ये हम लोगों के लिए, और आरोप प्रत्यारोप पे हम लोग टाइम बर्बाद कर देते हैं, टाइम पास हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है महोदय, ये बजट हर विभाग में जाएगा आवंटन, तो क्या आवंटन सही में खर्च हो पाता है या नहीं हो पाता है, इसका मॉनिटरिंग कौन करता है? अगर खर्च हुआ है बहुत अच्छी बात, लेकिन खर्च नहीं भी होता उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? तो महोदय,